पंजाब असेंबली में मोहम्मद खान भट्टी की बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती का केस, लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आला पर बेइज्जती की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने वकला के दलाइल के बाद परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। पंजाब असेंबली में मोहम्मद खान भट्टी की बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती का मामला, इस हवाले से बात करेंगे इबादुल हक से, ये बात बताएगा। परवेज इलाही ने अपनी जमानत के लिए एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर से रिजू किया था और दरख्वास्त जमानत दायर की थी, जिसमें अदालत ने आज सुबह जो है वो दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर दिया था। उसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया और परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानब से यही इस्तदआ की गई थी कि ठोस शवाहिद मजिस्ट्रेट के पास, इसलिए ये जमानत की दरख्वास्त खारिज की जाए। जबकि परवेज इलाही के वकील का ये मौकफ था कि सियासी बुनियादों पर ये मुकदमा कायम किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।